बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बहन भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश फ्राई। भाईजान को देखते हैं, इसकी कटिंग वगैरह सफाई वगैरह करते हैं, देखते हैं। ये है 2 किलो 600 ग्राम। इसका बारीक जो कंडा होता है वो नहीं है इसमें। इसको अच्छी तरह से हम सफाई कर लेंगे, फिर इसके पीस बनवा लेते हैं। तो मसाले में फिश को लगाने लगा हूँ। यहाँ पर मैंने रेड ग्राम लिए हैं, घर से बना कर लिया था। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने 3 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून नमक है, 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, ये फिश मसाला है 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हल्दी है और थोड़ी सी काली मिर्च है। 3 अंडे मैंने लिए हैं 1 ग्राम। फिश को मसाले लगाते हैं, यहाँ पर हैक को तोड़ लेते हैं। हैक शामिल करते हैं इसमें। हैक मैंने डाल दिए हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं, इसको हमने थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, मसाले हमारे तेज हैं। का पीछे का व्यू देखें कितना प्यारा है, हल्के हल्के बादल हैं ऊपर। थोड़ा सा मसाला फिश का और डालते हैं, कम लग रहा था। मसाला तैयार हो गया है, फिश के साथ मसाले को लगा लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह से फिश के साथ मसाले लगा लेते हैं। ये बहुत प्यारी जगह है, आप इस्लामाबाद में जब भी आएँ, यहाँ पर शदारा नाम की ये जगह है, यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें। इसके साथ अच्छी तरह से मसाले लगे हैं, देखें तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक बॉल के अंदर। फिश निकाल ली है और कड़े को हम पानी में, साफ पानी में धो लेते हैं।
आग जला लेते हैं यहाँ पर चूल्हे में। पर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर भाई शामिल करते हैं। यहाँ पर पानी बहुत ठंडा है, ऑयल को मैंने शामिल कर लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, फिश को शामिल करते हैं। पहले एक पीस डालते हैं, चेक कर लेते हैं ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। डाला है, फिर इसको ब्रेड क्रम के साथ हम लगाएंगे। यकीन जाने नीचे पाँव मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, ठंडा पानी है। ब्रेड क्रम के साथ मैंने फिश और डिप कर लिया है। एक एक पीस हम इसको मैं डालते जाएंगे आराम के साथ। आज की मेरी वीडियो कैसी है आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि आप लोगों के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, आगे पीछे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखें इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। फिश हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, जो थोड़ी सी फ्राई की है वो निकाल दी है। वो थोड़ी सी देर हम बाहर रखेंगे और फिर दोबारा से हम तेल के अंदर डालेंगे ताकि अच्छी तरह से अंदर से कच्ची ना रहे। फिश हमारी तैयार हो गई है, प्लेट के अंदर मैंने सलाद लगा दी है और फिश निकाल लेते हैं हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह से इतनी अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है, देखें इसका कलर कितना प्यारा है। ये अंदर तक अच्छी तरह से तैयार हो गई है। आपके मुंह में पानी ज़रूर आ रहा होगा इतनी अच्छी जगह पर, और फिश फ्राई
बिल्कुल होटल स्टाइल है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिश अच्छी तरह से तैयार हो गई है, ये अंदर से अच्छी तरह तैयार हुई है। चेक करते हैं इसको खाकर कैसी बनी है। इतनी ज़बरदस्त बनी है यकीन जाने, ये बहुत ही टेस्टी बनी है और इतनी स्पाइसी बनी है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ये जगह इतनी प्यारी आपको पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।